वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, डबल टैप एंड शेयर द लाइव. एवरीवन शेयर द लाइव. सबजना डबल टैप गर, लेट्स गो. सबजना बुम बम फिल्म पल 1 मिलियन लाइक्स हुनु पर्छ है. चलिरहेको छैन घरमा, सो त्यो अलिक नेटको प्रब्लम आउन सक्ला. डेटाले हामी लाइभ आएको छौँ. भोलि ब्लग आउँछ कि नआएर? अलवेज भोलि, अलवेज 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 आएगी. एन्ड फ्रम मेबी मन्डे अर ट्युजडे अर स्पेसल ब्लग आउने लागि. ठिक है, थोरैसी नेट अनस्टेबल है आज. ओके गाइस, सो मन्डे फ्रम नेक्स्ट विक मजेदार ब्लग आने वाली है आप लोग को. कल तो आएगी, कल तो आएगी. एंड आयुष की बर्थडे वाले दिन आप लोगों ने सोशल मीडिया पे टोटली एक्टिव रहा है कि नहीं? यस यस, टोटली एक्टिव रहा है. आई एम टेलिंग यू ऑल दिस वे. सो द लाइव से लाइव से लाइव से बूम बम फिल्म पल लाइव से जल्दी आने. डबल टैप ऑन स्क्रीन, लेट्स गो. कितना हीरो क्यों लग रहा हूँ आजकल तुम्हें? उसको मेरी फेस कट ज्यादा ही हो गई यार, पहले ऐसा लगता था मैं, है ना गाइस? अभी मतलब एक महीने पहले मैं ऐसे लगता था, ऐसी टाइप थी मेरी. अभी देखो फिर से मतलब बैक टू द फॉर्म. जब प्लान शुरू हो गई तो बैक टू फॉर्म. चली जाएंगे. ब्राइटनेस क्यों कम हो रही है? योर नेट इज वो अभी आएगा. आयुष की आईडी से ही लाइव आए, फाइनली आईडी एक्टिव कर रहा है. लेट्स गो. सोजन डॉल्ट ऑन स्क्रीन एंड बूम बम पलम पल लाइव सर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. लेट्स गो. और आप सब कैसे हो? किस तबीयत है? हमारी पिक्चर्स देखी हैं आज की? मैंने लगाई थी हीरो को. देखा हीरो को? मुझे वाली पिक्चर्स भी लगानी चाहिए थी जो मैंने इसकी ली थी. वो इसके फोन में, बट कितनी अच्छी थी. नेट बहुत गंदा चल रहा है. क्या ऑरेंज येलो दिखा रही है? अब अपना चलाओ ना. अपनी डेटा है घर में, नेट ही नहीं चले ना अच्छे से. हाँ वो तो नेट नहीं चल रही मिठू. तुम्हारे वो मैसेज भी हाँ नहीं जा रहा. वी आर स्टक आई थिंक. नहीं अब हो गई. बोल गाइस, आप लोगों को लाइव दिख रही है? दिख रहा है लाइव. कल व्लॉग आएगा? हाँ जी व्लॉग तो आएगा कल. यार ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता है जब इंटरनेट खराब हो ना. लाइव देखने का सारा मजा ऐसे हो जाता है कि यार क्या हो रहा है ना. ऐसे ना करो यार. आज वाला ओके डन. लेट्स गो. सो डन. डोंट हैव डोंट हैव लोड अप. ओके अनि तुम्हारी उसमें गाने कैसे बज रही है? वाईफाई. तो इसमें वाईफाई क्यों नहीं चल रही? उसमें भी देखो ना सिग्नल्स. देखो ये सो इस सब जन लाइव से करूँ ला. देखो सही है डेटा से. ओके लाइटिंग चेस करते हैं. हजारों नेपाल में हो आइले बाबू रे. यस ओब्वियसली यस यस हमें नेपाल में सम. ये आगे क्यों आ रही है? लेट्स गो. इट्स ऑन लाइव सर. अनि खाना डन गई? सबैजनाको भइसक्यो खाना भयो हजुरको? आज चाहिँ चिसो चिसो वेदर. अब चिसो बहुत ठन्ड लगी थी मुझे तो. आज मेरा ये ड्रेस नहीं था, ये तो मैंने आयो आशीष उधार मांगा. चिसो बढिसक्यो, अब जाडो हुन लाग्यो. यस ट्रु ट्रु. कभी दस क्लोथ्स कभी विंटर क्लोथ्स ऐसे बोलते बोलते मतलब. लेट्स गो. सो जन लाइव सर. हाय लीज. हेलो. अनि त्यो अब हजुर पनि एक्टिभ हुने बेला आइसक्यो फेरि वान्स अगेन. जस्तो कि हामीले पहिले बोला था कि अनाउन्समेन्ट बहुत सारे चिज हो कि अनाउन्समेन्ट है एन्ड बहुत सारे चिजें आउने इन फ्युचर. So from this Sunday, from new week, we're gonna, okay? Be very much active.
लाइक आप लोगों को डिफरेंट व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, समथिंग डिफरेंट. क्या इतना इंतजार कर करके फाइनली डेज आर कमिंग है कि नहीं? Yes. That's it. Dance करें? Dance. पहले 1 million like तो नहीं दो यार, 1 million like तो नहीं हो रहा अभी तक. इतना हमरो भाई नानू, thank you so much दीपक, thank you. My brother, thank you so much भाई. Guys कल का vlog देखना, आयुष ने तो आज आग लगा दी थी. Fire! Oh my God! So much of talent inside you. आपको welding, plumbing का काम भी आता है? आती है. और electricity वगैरह का, socket wocket का? आती है. वाह, ये जा हस्बैंड वाटिंग. मुझे हमेशा से वो बर्गर हस्बैंड नहीं चाहिए था, लेकिन always wanted ही मेरे बंदे को सब आए. ये नहीं कि electrician चाहिए तो electrician को call कर रहे हैं, plumber चाहिए तो plumber को call कर रहे हैं, singer चाहिए तो singer को call कर रहे हैं. Like, तो मतलब क्या मतलब घर साफ करना पड़े तो घर साफ करने वाला ही कॉल. ऑफकोर्स ही कैन कुक एज वेल एंड यू नो ये काम भी बहुत अच्छे से करता है. ही लव्स क्लीनलीनेस एज वेल. सो यस यू आर माय मेड, यू आर माय हस्बैंड. ऐसा होना चाहिए लड़कों को, खुद का काम खुद ही कर सकता है. ये बाइक भी चलानी आती है, ट्रक भी चला लेगा, गाड़ी में तो माहिर हो गया है अब ये. और खेती बाड़ी भी आती है उसको तो. यस ही नोज खेती बाड़ी एज वेल. यू नो खेती, यू नो खेती राइट. वो जो छामे लगा कर आए खेती. खेती क्या है, ये प्लम्बर का है, ये मतलब ये घर साफ करने वाला क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं है. बाकी मुझे कुछ नहीं आती. टोटली मुस्तफा फ्रॉम कभी मेकअप. एग्जैक्टली गेमिंग भी आती है मेरे बंदे को. खुश हुआ है मतलब दुख है यार, क्या है यार. गेमिंग भी आती है और फिर उसको जिम्मेदारियां लेनी भी आती है. सो रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम इन सच अ यंग एज. वाओ क्या बात है, क्या कसम मिला है, खाऊंगी. खुश हुए दुख हुए यार, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रही यार. क्या है दुख, खुशी होनी चाहिए आपको. मतलब खुश तो हूँ कि तारीफ मिल रही है, पर दुख भी होगी मतलब साथ साथ मुझे सब कुछ करनी पड़ेगी. सब कुछ देखो, ये काम तो मेरे वाले करने वाले नहीं है ना यार. कि क्या खाना भी बनाऊं, घर भी साफ करूं, टॉयलेट भी साफ करूं, बिजली भी बनाऊं. कभी मेरी अगर तबीयत खराब हो गई तो आप, ये तो नहीं है ना कि मैं किसी के सहारे होंगी. आप करोगे मेरे लिए तो मतलब हर एक दिन ही होती रहती तबीयत खराब. अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है. जब से दुबई से आई है, जब मेरे साथ हर एक दिन कभी सर दर्द करती है, कभी मतलब हाथ दर्द करती है उसकी. मुझे तो लगता है जब मेरे नखरे उठाते हो और आपको भी अच्छा लगता है. हाँ जब मैं आपको नखरे नहीं दिखाती तो आप मुझे बोलते हो तुम क्यों चुप चुप हो. मैं मतलब इसलिए बोलता हूँ कि तुम मतलब थोड़ी सी इंसान तो नहीं होगी अभी, क्योंकि हर एक दिन तो तुम मतलब करती रहते हो ना इसीलिए. When I talk to myself, he gets scared. He's like, अपने से बातें क्यों करती है? तो कौन मतलब अपने से बात करते है? ओहो क्या हो गई यार, ये तो यार आज तो ये हो रही थी वो. अरे इंसान से बात करो ना, कि अपने से ही मतलब क्या हो रही है आज तो. बहुत धूप है यार, वाह यार बहुत गर्मी हो रही है यार आज तो यार. इतना मतलब धूप में तो क्या करना चाहिए यार. हाँ आइसक्रीम खाना चाहिए आज तो. ऐसे मतलब खुद से कौन बात करता है यार. पता है आपको, एक प्रोफेशनल को एक प्रोफेशनल से हमेशा बात करनी चाहिए. बिल्कुल इस बात पे तो नेट ही अटक गया. सब भूल गया मैं तो, मेरी तो याद आशी चली गई यार. छुटा छुटा कैसे और चीजें भूल गए क्या हम लोग, और भी तो होंगे. नींद भी आती है आज को, नींद भी आती है. वाओ तो इसमें क्या वाओ हो गई, इंसान हुआ नींद नहीं आएगी क्या यार रोबोट में. क्यों को नहीं आती, हाँ नहीं आती इसीलिए दिन की मतलब 2-3 बजे तक सोती रहती है खराटे मार के. एग्जैक्टली, क्योंकि रात के टाइम पे नहीं आती ना. पता नहीं हमें क्या क्या डोरेमोन, फिर भूतिया कहानी, फिर क्या क्या देखना पड़ता है सोने के लिए. आप तो बस लेटते ही सो जाते हो ना आयुष. पता है इसको अभी लिटा दो ना और लाइट्स ऑफ कर दो, ठीक है, और वो वाला गाना लगा दो. जाने वो कैसे लोग थे जिनको, आयुष सो जाएगा.
फोटोग्राफी एज वेल यस ये तो मैं भूल ही गई हूँ मैं क्या आई ऑलवेज वॉच योर लाइव बट नेवर कमेंटेड एंड लव यू बोट अलीजे दीदी एंड आई यूज दाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एकदम जरी मैं चुप्पा तो फर्स्ट में आता है बस चुप्पाई करना आती है और कुछ नहीं आ रही मुझे करो क्या तो फॉरन से आता है और फिर रुक जाता है कब वो एक मतलब कब वो दिन आएगा कब वो दिन आएगा जब तुम ऐसे पकड़ के ऐसे करके ऐसे घुमा ओ सॉरी थोड़ी सी मैं रोमांटिक नहीं हूँ ना पागल तुम ही हो ना थोड़ी सी गर्दन की हड्डी हट गई यार ऐसे करके इससे ना वो कभी कभार मतलब वो छुपा कर लेता हूँ मैं पर कभी कभार वो रुक जाता हूँ मैं क्योंकि मतलब कभी कभार वो बॉर्डर सामने आ जाती है कभी कभार वो बॉर्डर के भूल जाता हूँ मैं तो ऐसी होती है अच्छा? जब शादी हो जाएगी तो वो बॉर्डर क्रॉस कर लूंगा मैं आराम से वो पासपोर्ट मिल जाएगी मुझे वो बॉर्डर क्रॉस करने की वो तो अभी भी तो डलते लोग लोग हम अपनी बात करें हम हमारी हाँ तो पप्पी वाली पिक्चर क्या पप्पी वाली पिक्चर है यार कैसी बात करते तुम यार पप्पी वाली पिक्चर हाँ ठीक है शादी का एक पोस्ट तो मिल गया समथिंग न्यू गाइस हे फैसन डबल टैप ही भैर से ना वाल नहीं हो रही आप लोग बोलते हो कि डांस करिए एकदम घरों भयो गाइस इस तो पानी पर छा इस तो ओ माय गॉड मेरा तो ठाव दुख गयो आई ब्रो आल्सो डू बीट बॉक्सिंग यस एंड ही आल्सो बीट बीट आपको वाला तो सिर्फ लुक देखा है आपने मारा नहीं आज तक किसी को तो मारू क्यों यार क्या बात कर रही है पागल नहीं हो गया यार गुस्सा तो देखा है मैंने लेकिन मार वो एक्शन नहीं देखा एक्शन भी एक बात प्लीज चुप करो एक गैंगस्टर की गुंडा बना दी कल मुझे जेल ना लेके जाए कोई पर बताता नहीं है चुप क्या लगा When did you see his anger? बहुत पहले एक बारी कोई हमारी छुपके से वीडियोस पिक्चर्स ले रहा था तो उसने चिल्लाया था उन पे तो मैंने बोला अरे ये तो आयुष ओह माय गॉड इसमें तो ये पार्ट भी है वेरी अट्रैक्टिव एक मार अभी आती गई नर्सेस फूल रही थी इसकी दर की इतना एकदम हॉट लग रहा था उसने कहा नॉवेल से निकल के लड़का आ गया बैक तो दूंगा तुम्हारी मत करना खाना खाने वाले हो चाइना खाना खाने से ना गैस खाना वेट्स में हनी लाइफ सकर बखर हम घर आको अलग काम समथे मेरा अने लाइफ बना था कि बीस मिनट जति हुआ वाला घर आको तब पे को एनर्जी खाई क्या एनर्जी खाई एनर्जी दिखाओ नो ना वो नेट ही कैसे चल रही है जैसे ऐसे नेट चलते हुए बिल्कुल ठीक चल रही है नेट वो तो सिर्फ वैसे उसकी आदत है मेरी तरह नखरे करने की देखो कितने पैर लगे हुए ना तो कि ये एक्साइटेड हजार उसाबे जाना पर दिस संडे मतलब बिग डे मेरी बर्थडे है इसलिए बिग डे नहीं और कुछ चीजें भी इसलिए बिग डे संडे बर्थडे है बिग डे बोली ब्लॉग आउट सर श्योर 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 ऑलवेज 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 ब्लॉग आउट ओके अब मुझे पता डर लग रहा है क्या डर लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बर्थडे का गिफ्ट आपको पसंद नहीं आया गिफ्ट
कौन सी गिफ्ट? ए वो क्या, कब देखा तुमने? सेकंड गिफ्ट? हाँ बस बोल दियो, अब जब देखोगी तब पता चलेगी ना पसंद आएगी नहीं आएगी। मुझे डर लग रहा है ना अभी। चुप करो नाटक। काश मैं चेंज कर सकती। अरे कितने दिनों से, एक महीने से संभाला हुआ है। छुपा के रखे कहीं? अब तो चेकिंग करनी पड़ेगी। नहीं आपको नहीं मिलेगा, मैंने ऐसी जगह छुपा। मैं देखता हूँ ना कहाँ छुपाई हो। देख लेना। रुको। सो तो है ना संडे से इट्स अ वेरी स्पेशल डे एंड संडे के बाद मतलब फॉर टाइम है ना That thing will be remain. अनि त्यही हो हजुरलाई होप कि सबैजनाले होइन माया देखाउनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ त्यो चिजलाई। अनि त्यो चाहिँ लाइक हाम्रो एउटा इमोसनल होइन इमोसन जसलाई पनि देखाउनु न अरे अनि इमोसन त्यो त हाम्रो एउटा के अरे इमोसन होइन सबै कुरा लाइक सोचेको धेरै पहिलेदेखिदेखि लिएर सबै कुरा भनौँ न एउटा कसरी एक्सप्लेन गर्नु त्यो चिजलाई जे चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा माया हो होइन जति जुन चाहिँ हामीले एउटा बिल्ड र अगाडि लिने सोचेको छौँ आउने जिन्दगीमा नि। अनि साथसाथ अर्को नि एउटा चिज आउँछ छिटै त्यो पछि जुन चाहिँ हाम्रो होइन एउटा ड्रिम ओके एउटा सपना थियो र जुन अब साकार हुन जाँदैछ ओके सो स्टे ट्युन कुराहरू आउँदैछ ओके जिन्दगीमा अब आउने दिनहरूमा यो अब हाम्रो जन्मदिनपछि मतलब जन्मदिनसँगै होइन न्यू एज न्यू लाइफ टाइपको होइन न्यू एज न्यू लाइफ न्यू नम्बर न्यू लाइफ टाइपको होइन एउटा उमेरसँग मैले स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छु ओके हामीले भनौँ न मेरो एउटा एजसँग आफ्नो जन्मेको दिनसँग होइन त्यसको एउटा इमोसन बनाउँदै त्यसमा मैले के एउटा सानो होइन जे जतिसम्म सकिन्छ उद्घाटन जस्तो भनौँ न एउटा बिगिनिङ सबैजना एन्ड हजुरसँग अब त्यही सबै कुराहरू सेयर हुन्छ आउने दिनहरूमा यो सन्डे पछि कि के कस्तो हुँदैछ के गर्दैछौँ होइन कहाँ भागदौड गर्दैछौँ अनि जुन त्यो अर्को सरप्राइज छ जुन त्यो अलिकति ठुलो र एकदम हाम्रो एउटा जुन ड्रिम भनेको थियौँ यो नै एउटा हाम्रो ड्रिमै होइन एउटा हाम्रो सोचेको हजुरसँग सेयर गरेको थियौँ पहिला पनि तर जुन यो पछिको अर्को जुन कुरा आउँदैछ त्यो चाहिँ अलिकति होइन यो पछि हल्का यो होइन यो पछि रिभिल गर्छौँ अहिले त रिभिल गर्दैनौँ त्यसको काम चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुँदै गर्छ बट सन्डे जो रिए जो आ रिए जो चिज हाम्रो आप लोगको साथ सेयर गर्दै इट्स आवर इमोसन एन्ड इट्स आवर ड्रिम ओके एभ्रिथिङ जो हम हाँ एक तो के एन ज्वेलर्स था ना के आई एम द ब्रांड एम्बेसडर सो नाउ सेकेंड दिस एंड उसके बाद बहुत ऑसम संडे कैन नॉट वेट संडे आप लोगों ने बहुत एक्टिव रहना है गाइस ऑन सोशल मीडिया करंट यस करंट यस किनकि खाना घरमा अहिले बन्न टाइम लाग्छ खाना आज किनकि हाम्रो घरमा एक छाके पनि थियो संडे भूखा मारता खबर ठीक है सफाई कस्ते हैं सेप्टेम्बर 30 इज बर्थडे नो 29
क्योंकि आयुष उसके मैं मतलब इंग्लिश डेट में बर्थडे नहीं मनाता नेपाल मैं नेपाल डेट में बर्थडे मनाता था अपने और सोचते तो कभी 29 आती कभी 30 यस सो दिस टाइम 30 मुझे इंग्लिश डेट अपनी याद भी नहीं रहती इतनी चल के हल्का भोक लगा थे खाना बनाउनु भन्दा चाहिँ अलिकति भयो नि खाऊँ न भनेको सबजना खाइदिएर हुन्छ स्पेसल डे तो गाल खींच गया यार सुशी दीदी ने तो ईटिंग चैलेंज अभी तो ऐसे वैसे ब्लॉग्स आने वाले हैं ना भूखा है वो बेचारा जल्दी जल्दी खाएगा राती तो चाउचो है ना भर्खर घर पुग्यो अनि घरमा थाहा थिएन हामी आउँछौँ भनेर अनि खाना पनि थोरै थियो म आरन वासे अनि मोटु भर्खरै बाहिर डाको अनि त्यो खाना बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ त्यो भनेर चाहिँ अलिकति खाइदिउँ न भनेर हो कि थ्याङ्क यू फादर त्यस्तो कुरो ओके सो जे छ घरमा त्यही खाएको छौँ One minute done. Oh, thank you so much, guys. Thank you so much. Let's go. डांस आफ्टर इट इसके पास आना है तो क्यों अनि भन्नुहोस् अरू भाग के गई है ना इतना खाओगी पियोगे सोचो कि हरेक कुरा पुरा होस् भाइ बुहारीको सधैँ खुसी रहनु हामीहरूलाई चाहिएको यति हो धन्यवाद कृष्ण दाई थ्याङ्क यू सो मच भेट दाई थ्याङ्क यू सो मच एकदम धेरै माया सो अन्त त्यस्तै कुरा हो गाइज होइन इम्पोर्टेन्ट कुरा अब भन्नाले अब डेट नजिकै आउँदैछ दिस सन्डे सो एक्टिभ रहनु होला सबैजना ए मत गरौँ मोटु नै खाऊ कि सो त्यही हो त्यति मात्रै हो कि एक्टिभ रहनु होला यो सन्डे त एकदमै हर दिनमा हाँसी मजाक भन्ने कुराहरू त छँदैछ होइन साथसाथ यो सन्डे त एउटा हाम्रो ग्रान्ड 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 एउटा अनाउन्समेन्ट आज वाला लाइव भी तो आएगा कल ओह माय गॉड
मैं साहिब भाई बहारी लाई इकरे भाई बहारी हमेशा थैंक यू सो मच दाई थैंक यू सो मच दाई कुछ तो भूख लगे ला हाँ हाँ मैं वही कह रही थी इतनी स्पीड में कह रहे थे ना और देख देख के मैगी देख के तो हमें भी लग गई मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं खाया सुबह से अभी माया गरी हाल्छ नि माया गर्ने मान्छे पाएपछि माया गर्छ होइन बर्बाद गर्ने मान्छे पाएपछि बर्बाद गर्छ होइन त जिन्दगी दिने मान्छे पायो भने जिन्दगी बिगारिन्छ फसाउने मान्छे पायो भने फसाइन्छ त्यही हो कुरो त्यही हो नि छैन भाइ यो पिरो छ म दे सक्दैन उधर रख दो साइड में खा लिया खत्म नहीं किया पहली बार मैं पानी चाहिए मेरा बैग ही कोई नहीं छोड़ रहा बस पानी इधर रखो सर बैग सब रख दो बाबूजी नेपाल आ गए कभी भाई वन मंथ वन वाले ना अब चाइना अगर डांस रिएक्शन एक्शन पच्चीस नाल के थी यो के अरे यो औँठी लगाएको थिएँ होइन मेरो होइन यो हातमा कि यसको ऊ आइरहेको यस्तो नि त्यता कलर ब्ल्याक ब्ल्याक कलर अनि यता हातमा नि यस्तो कस्तो चिलाउने सिलाउने भइरहेको किन हो यो औँठी अलिकति ऊ रहेछ क्या हो इफेक्टिभ होइन त्यसको यिनीहरूको कलर चाहिँ आउँछ होइन यस्तो औँठी लगाउँदाखेरि किनकि यिनीहरू उसको अन्त के भन्छ त्यसलाई यार फलामको चिज अनि त्यो चाहिँ पित्तलको चिजहरूबाट आउँछ कलर अलिकति यस्तै लगाउँदाखेरि पसिना सिसिना यता उति गर्दा फेरि यतै लगाउनु छोड्नु पऱ्यो जस्तो छ अलिक माने यस्तो यस्तो कलरहरू पनि आइरहेको छ साथसाथै यता मेरो त्यो त चिलाएर चिलायो भन्नाले यस्तै दाम पनि बसिरहेको नि त्यो अलिकति ऊ भइरहेको क्या मलाई खाना पाएको यस्तो के रहेछ नि त्यो डोन्चु डोन्चु त खाना पाएको जस्तो के रहेछ अरे हेर्न त्यसलाई मधु मधु स्विट चिज मधु डोन्चु खानु न त्यो खानु मेरो बहिनी फेरि आइयो ल्याउन गोदीमा यसको गोदीमा नि तुमी डोन्ट वेयर बरु सिल्भरको कस्ट के अरे कस्टमाइज गर्नुहोस् रे होइन मोटु ए वै कति यार यो नै पता हुन् मोटु यार तुमी मत पेन मोटु यो बस सम्हालेर फोटो इधरै बक्स यो पेन यहाँ मतलब थोरै सी अजिप्सीहरू देखो इधर मेरो हुनेमै क्या आ रे दाने दाने आ रे यहाँ मत पेन हो ए रखो इधर रखो इसके अन्दर ए तुम रखो हाँ गिफ्ट होइन त्यो यसको सम्हालेर रखो किनकि अलिकति यस्तो प्रब्लम देखायो कि अलिकति यस्तो यस्तो हेर्नु त यता कालो देखाइदिएन मेरो हिजो मैले नोटिस गरेको होइन यता कालो हुने अनि यता चाहिँ यस्तो रातो हुने यता अनि अलिकति यस्तो यस्तो फोका फोका यस्तो आएको जस्तो फेरि हुने यस्तो थोरै फेरि मोटुको त्यस्तो भएन मेरो त फेरि त्यस्तो भएर हजुर पनि अलिकति अभोइड गर्नु ल यस्तो कुराहरू त कहाँ चढिरहेको छ ए कहाँ गएर चाहिँ डन्छु कहाँ कुना कुनामा अनि भन्नुहोस् अरू के छ कहाँ लिएर कहाँ राख्यो तिमीले सामान त उनीहरू हो कि छोटावाला लिएर आइदिए सामान त वो फ्रिजमै रखा वो फ्रिजमै नि गाडीमै चिप्स सही त Mm-hmm.
फिर हम नेपाली बुहारी को सब कुछ थैंक यू सो मच दाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैं दाई। डांस 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 बोलते मुटू क्या करे करते बस एक ही डांस है फिर नो ज्यादा डांस ओके गाइस जस्ट वन डांस ओके डोन्ट यू थिंक कहाँ हो वाला छटपटी दिए कुना कुना कहाँ हो रहा था कहाँ तो जान ठाउँ छैन नजाते चेपेलास हट ल अब डांस रे ओके ल वन डांस कुन चाहिँ गर्ने मुटु पता नहीं इनसे पूछो परफेक्ट प्लीज परफेक्ट सॉन्ग बाय परफेक्ट सॉन्ग पे देख देख के आप लोग थकते नहीं हो परफेक्ट सॉन्ग मतलब दे वांट टू से कि दे वांट टू सी सॉफ्ट कपल डांस देखो बर्थडे के दिन ना हम रात में लाइव नहीं आएंगे ओके गाइस शायद हम रात में लाइव नहीं आ पाएंगे रात में जाना है ना बाहर हाँ फैमिली को भी टाइम देनी है और मोटू बोल रहे कि सेलिब्रेशन करनी है हाँ प्लीज सेलिब्रेशन तो करनी है सेलिब्रेशन यानी कि इतना वो धूमधमा का इधर धूमधमा का करना है क्यों धूमधमा पागल हो धूमधमा का करना है कि नहीं बस फैमिली फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे आई तो बात है मैं भी अपनी बर्थडे बर्थडे नहीं मनाने वाली मेरी बर्थडे पे तो पूरा बर्थडे वीक बर्थडे मंथ बन रहा था तो पाल धूमधमा प्रिंसेस हो ना प्रिंसेस तो आप भी मेरे किंग हो के प्रिंस हो तो प्रिंस लोग इतना वो नहीं मानते ना ऐसे हाँ, बस प्रिंसेस लोग को मतलब ऐसे अच्छे लगते ना ज़्यादा वो सेलिब्रेशन करना नहीं ऐसे नहीं करो किसको बर्थडे हो मेरे बूढ़ों को बर्थडे हो हम दिन में आउँछ ओके हाँ दिन में आएंगे नो वरीज दिन में आउँछ विद स्पेशल ब्लास्ट तीज तीज को जो तुझको जो पाया तो जीना आया कौन सा गाना ये कौन तो करे कदम खुद आया है मानने भी क्या ते हो इमरान हाशमी का है वो तेरे संग यारा यो परफेक्ट सॉन्ग तो सही सॉन्ग के लिए गाइस एनर्जी चाहिए परफेक्ट एवरीबॉडी सिंग परफेक्ट ला ओके डन 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 कल संडे होनी भाई को बर्थडे रे कल संडे होनी बस एक दिन रह गया ना कल का दिन है गाइस परसों आयुष की बर्थडे है भोलि स्याटरडे भयो पर्सि ऊ भयो सन्डे चलो परफेक्ट 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 सब लोग बोल रहे परफेक्ट तो परफेक्ट हो गया गाइस पर हमेशा परफेक्ट नहीं हो गए क्योंकि मतलब कितने लोगों को मतलब दूसरे गाने में भी हो सकते तो इसीलिए कभी कभार हम कर लेंगे स्पेशल उसमें किस पे क्या परफेक्ट में अभी परफेक्ट पे करना है तो परफेक्ट करेंगे ना अभी तो भाई व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे किन्नू भाई व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे किन्नू नथिंग 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 किन्नू चाहन्छु किन्नू तो ड्रीम है एक दिन की किन्नू क्या है दे नो किन्नू किन्नू हमारे ऑरेंज जैसा जो वो होते हैं ना उसको किन्नू बोलते हैं वो तेरे संग यार है और फिर से दूसरी गाना आ गई अरे यार किन्नू क्या है आज बस लास्ट दिन ये क्या होगी इसको आज बस लास्ट दिन योर सॉन्ग तेरा मेरा मिलना अरे सुनिए गाइस आप आज के गरम आज एउटा परफेक्ट मा गरम डांस अनि त्यसपछि भोलि स्याटरडे छ भोलि लाइभ आइहाल्छ ओके अनि त्यसपछि डान्स गरौँ नि अरूमा सन्डेको एनर्जी वाला डान्स गरेंगे अरे क्या करके देखते हूँ
सच्ची दुन से तुम सेम ही लगती हो मुझे तो। हाँ ये बीमार है ना थोड़ी सी, तो इसीलिए कुछ और कर रही है। ओके गाइस लेट्स गो ला परफेक्ट नंबर डांस। ओके चलो फोटो रेडी 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 स्टडी ओके ला परफेक्ट नंबर नाच हान्दी होइन त्यसपछि अनि ठ्याक्क लाग्नु पर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्र मेहता है वेलकम। सन्डे कतिखेर आउनुहुन्छ लाइभ? इन्स्टाग्राम एक्टिभ रहनु आज थाहा पाउनुहुन्छ लाइभ कतिखेर आउँछ हामी। ओके तुम उधर ही क्यों बैठती हो? उधर क्या है ऐसा? हाँ उधर तुम अंडे बच्चे तो नहीं दे दिए? मेरी बिल्ली के बच्चे ऐसे बैठते थे तब वो बिल्ली बच्चे देती थी। चलो अच्छा,
ये मेरा इसका चार्ज है। डन गाइस डन। इस तरह डांस बन गया था इंस्टेंट। सो क्यूट। थैंक यू। वंस मोर रे। और रे वंस मोर रे। ऐसे। हुई। हाँ तेरी डांस करवा दिया यार थक गए वो लोग। आज इन्हें रिसर्च कर लगती। प्लान चल गई क्योंकि अब साउंड छिटे आनी बिग अनाउंसमेंट भी छिटे आदि सो ओके दूर दिख रहा है इसमें तक करीब क्यों दिख रहा है हाँ जैसे इसको एक कर कर रही है बैठ के उधर कपड़े तो नहीं धो रही वो कपड़े क्यों धोएगी खोद रही है उधर से पता नहीं क्या खोदती है वो बेटी किस तरीके से दिखो उधर कैसे ऐसे करके बैठ रही है कैसे वो कुछ खोदती है उधर से उफ अल्लाह ओ शोभा दीदी शोभा दीदी हेलो दीदी हाउ आर यू एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूएसए नाउडेज इंग्लिश क्यों बोलने स्टार्ट कर दी बिकॉज आई ओनली स्पीक इंग्लिश समटाइम्स व्हेन आई फाउंड सम इंटरनेशनल पीपल्स इन द कमेंट्स समझ गए हम लोग समझ गए होम टाउन वो लिव लॉन्ग अच्छा हाउ इज इट हाउ इज एवरीथिंग हाउ इज माय बांजा बांजी ए बांजी तो नहीं ना शोभा दीदी के हस्बैंड की बर्थडे है नहीं वो दूसरी अच्छा अरे वंस मोर हाँ बस तुम वही देखो शुरू हो गया इंग्लिश इसका ये है दीदी अभी आप थोड़ी देर अगर आप आ गई ना गेस्ट पे तो फिर ये चुप हो जाएगा अरे बोलो ना इंग्लिश में दीदी को व्हाट टू से व्हाट हैपेंड रे आई डोंट स्पीक मोर हाय वरना सब बेहोश हो जाएंगे तो की वो कोने स्क्रीन लगी सुन वेट वेट गाइस एक इनका मेरे फोन पे चार्ज ले रहा था इन साथ साथ ही ओपन मेरे आगे लेट इट सब ओके मेंटेन कर पर सके फोन ताते जन था प्रपोज टू अलीज ओ यस कम ऑन टू इट ये तो कभी कर दो ये तो लाइफ टाइम शादी के बाद भी कर दो उसके लिए भी लड़कियां रेडी रहती हैं फिर से इंटरनेट का मसला ओके गाइस अटक गया है इंटरनेट ही अटक गया है प्रपोज के नाम पे तो ये तो गलत होता है वैसे लड़कियों का हमेशा होता है आप कभी भी उसको बोलो कभी भी कितनी बार भी कर लो उनका मतलब यू नो वो सेटिस्फाई होती ही नहीं उनको कहते हाँ ये तो करो हाँ ये तो करो कितनी बार किया दो बार किया चार बार किया तो उनका वो लिमिट नहीं आती इस वाली उस पर बात पर ना बट आयुष अलीज़े ओ माई गॉड सिर्फ आज का दिन है आज हम ये लाइव देख रहे हैं मतलब आप मेरे चैनल पर तो कल हम साथ में शायद वही वाला लाइव डायरेक्ट देखेंगे आप पता नहीं आज वाला लाइव भी देखेंगे बट आई एम सुपर एक्साइटेड फाइनली सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं कि कहाँ क्या चल रहा था क्यों बिजी चल रहे थे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है हमारे गैस भी ख़त्म होने वाले हैं जो हम इतने गैस कर करके हमने दिमाग पे बर्डन दे के जो अपनी हालत की है ना कि क्या होएगा वो फाइनली ख़त्म होने वाला है सो आई एम सुपर एक्साइटेड और मज़ा आने वाला है यार मैं जानती हूँ और व्लॉग्स भी अच्छे अच्छे आने वाले जो छुप छुप के मीटिंग्स कर रहे थे क्या बातें चल रही थी वो हमें नहीं पता था लेकिन अब वो होने वाला है हमें पता चलने वाला है तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आयुष के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लीजिए आयुष को क्या गिफ्ट देगी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो कल देखते हैं एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट इफ यू डू देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय